स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी कि आज योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दूसरा अनुरूपक अनुदान पेश करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। ऐसे में सरकार तमाम वर्गों की नाराजगी को दूर करना चाहती है। प्रदेश सरकार का ये इस दूसरा अनुरूपक बजट करीब 30,000 करोड़ रुपए का होने जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी योगी सरकार दूसरे अनुरूपक बजट के जरिए किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, बेरोजगारों के साथ राज्य कर्मचारियों का मानदेय पर तैनात कर्मचारियों को साधेगी और उनके लिए आज बड़ा खजाना खोल सकती है। इसके अलावा सरकार अनुरूपक बजट में किसानों को तोहफा दे सकती है। उम्मीद की जा रही है कि योगी सरकार केंद्र की किसान सम्मान निधि की तरह उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ऐसी ही कोई योजना ला सकती है। इस बजट में सरकार ने पहले जिन कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है उसके लिए बजट का इंतजाम भी इसमें ही होगा। साथ ही ग्राम सचिवालयों के संचालन के लिए भी बजट इंतजाम रहेगा और अनुपूरक बजट के जरिए सरकार एक्सप्रेसवे के साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए धनराशि भी देगी। इसके अलावा सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंतरिम बजट और उसके पहले 4 महीनों के दौरान सरकार के जरूरी खर्चों से निपटने के लिए भी लेखानुदान भी प्रस्तुत करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय और वित्तीय अधिकारियों में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया था, जिसके तहत ग्राम प्रधानों का मानदेय 3,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति महीने, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय 9,800 से बढ़ाकर 11,300 रुपए और जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14,000 से बढ़ाकर 15,500 रुपए प्रति महीने करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 1,000 रुपए प्रति बैठक से 1,500 रुपए प्रति बैठक, क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति बैठक करने का ऐलान भी किया। वहीं ग्राम पंचायत कोष के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर रहने के दौरान मृत्यु की दशा में ग्राम प्रधान, प्रमुख क्षेत्र पंचायत और अध्यक्ष जिला पंचायत के मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए, जिला पंचायत सदस्य के परिजनों को 5 लाख रुपए, क्षेत्र के पंचायत सदस्य के परिजनों को 3 लाख रुपए और ग्राम पंचायत सदस्य के परिजन को 2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध भी कराई जाएगी। तो ऐसे में आज ये बजट पेश होने जा रहा है। योगी सरकार का आखिरी अनुपूरक बजट पेश होगा आज। साथ ही आपको बता दें कि किसानों के लिए पिटारा खुल सकता है आज इस बजट में, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कुछ वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। लुभाने बजट से चुनाव पर फोकस किया जाएगा, यानी कि इस लुभावने बजट से फोकस चुनाव पर किया जाएगा। बजट की बारी, बवाल की तैयारी। जी हाँ, क्योंकि अब बजट जब पेश होने जाएगा तो बवाल उसके बाद हो सकता है। ऐसे में चुनाव से पहले का ये आखिरी बजट में क्या खास होगा, सबसे अहम बात यही है कि आखिरी बजट ये योगी सरकार का होगा, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, ये आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई वर्गों को साधने के यहाँ पर योगी सरकार कोशिश करेगी, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, इन सभी को कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या आज इस बजट में खास रहने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि अनुपूरक बजट की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अनुपूरक बजट की तैयारी, 30,000 करोड़ रुपए का ये बजट हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि 30,000 करोड़ का ये बजट होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि करीब 1.71 लाख करोड़ का लेखा अनुदान होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि मथुरा के विकास की कुछ नई योजनाएं भी पेश हो सकती हैं, यानी कि माना जा रहा है कि इस बजट में मथुरा के विकास के लिए कुछ नई योजनाएं भी पेश सरकार कर सकती है। इसके साथ ही नए भत्ते और बंद किए भत्ते बहाल होने की भी उम्मीद है। राज्य कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की मिल सकती है सुविधा, यानी कि जो राज्य कर्मी है उन्हें कैशलेस इलाज की ये सुविधा भी मिल सकती है आज इस बजट में। साथ ही ग्राम सचिवालयों के संचालन के लिए भी बजट का इंतजाम रहेगा।
किसान सम्मान निधि की तरह कोई योजना शुरू कर सकती है सरकार, यानी किसानों को साधने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश आज हो सकती है सरकार की। वहीं महिलाओं के लिए ये नई योजनाएं शुरू कर सकती है सरकार। तो ऐसे में काफी अहम ये बजट माना जा रहा है कि इसमें कई वर्गों के लिए कुछ खास चीजें आज सरकार लेके आ सकती है, लेकिन इंतजार है कि कब ये बजट पेश होगा और क्या कुछ सरकार की तरफ से लाया जाएगा और किन किन चीजों पर, किन किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये देखने वाली चीज होगी। तो ऐसे में आज ये योगी सरकार का आखिरी अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि महिलाओं पर, किसानों पर, युवाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अब अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शुरुआत में ही 2 महीने से कम का वक्त बचा है, जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उससे पहले ये बजट आज योगी सरकार विधानसभा में पेश करेगी, तो काफ़ी अहम इसे माना जा रहा है क्योंकि आखिरी बजट ये योगी सरकार का है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बजट में सरकार ने पहले जिन कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी उसके लिए बजट का इंतजाम भी इसमें होगा, यानी कि कई चीज़ें आज इस बजट में सरकार की तरफ से पेश की जा सकती हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ग्राम सचिवालयों के संचालन के लिए भी बजट का इंतजाम रहेगा। अनुपूरक बजट के जरिए सरकार एक्सप्रेसवे के साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए धनराशि भी दे सकती है। इसके अलावा सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंतरिम बजट और उसके पहले 4 महीनों के दौरान सरकार के जरूरी खर्चों से निपटने के लिए भी लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। तो योगी सरकार का यह आखिरी अनुपूरक बजट आज पेश होने वाला है। काफी ज्यादा खास ये बजट रहेगा। किसानों के लिए क्या खुलेगा पिटारा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि किसानों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में सरकार से बहुत ज्यादा है। लुभावने बजट से चुनाव पर फोकस करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब बजट की बारी है, बवाल की तैयारी है, क्योंकि हो सकता है कि जब बजट पेश करें सरकार तो इस पर बवाल भी हो जाए। ऐसे में चुनाव से पहले का ये आखिरी बजट में क्या खास होगा, हर किसी की नजरें इसी चीज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय और वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिसके तहत ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति महीने और क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय 9800 से बढ़ाकर 11300 रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14000 से बढ़ाकर 15500 रुपये प्रति महीने करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही आपको बता दें सीएम योगी ने जिला सदस्य का मानदेय 1000 रुपये प्रति बैठक से 1500 रुपये प्रति बैठक, क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया था। तो लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूबी, आज ये योगी सरकार का आखिरी अनुपूरक बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ खास आज इस बजट में रह सकता है? पारुल, देखिए कार्यवाही शुरू होने से ही पहले जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है और सपा के लगभग जितने भी विधायक थे, खासतौर से लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड पर लेकर एसआईटी रिपोर्ट को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला और सपा के लगभग सारे विधायक तो बेल में जा चुके थे और इस वजह से हंगामा काफी देर तक चलता रहा। कुछ टाइम के लिए अभी स्थगित कर दिया गया है, लेकिन विधान परिषद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और जो केंद्र मंत्री यानी कि जो राज्य मंत्री की बर्खास्ती को लेकर बातचीत हो रही थी और इसी बात को लेकर लगातार बीजेपी सरकार को सपा के तरफ से घेरते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़े देर के बाद 30 मिनट के लिए बताया गया स्थगित कर दिया गया, उसके बाद अब अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल रूबी, देखिए हंगामा विधानसभा में भी देखा जा रहा है, अगर संसद की बात की जाए तो वहां पर भी केंद्रीय मंत्री को लेकर ही ये हंगामा हो रहा है, वहां पर भी स्थगित कार्रवाई कर दी गई है और आपने बताया कि विधानसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है, लेकिन देखिए आज सरकार ये अनुपूरक बजट पेश करने वाली है, किन किन लोगों का सबसे ज्यादा, किन वर्गों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा? देखिए पारू, अगर हम पहले की भी बात करते हैं तो सबसे पहले तो इन्होंने खास तौर से जो योजनाएं थी विकास को लेकर उन्होंने ज्यादा तर्ज दिया था और महिला उद्योग को लेकर भी खास तौर से पहले भी बजट में दिया गया था,
इस बार भी यही ख्याल रखा जा रहा है कि अभी का भी जो लास्ट बजट है इसमें भी खास तौर से लघु उद्योग है या फिर ये कह सकते छोटे मोटे रोजगार की जो खास तौर से बजट तैयार किया जाता है उनका ध्यान रखा जाएगा और जो विकास के जो थोड़े बहुत अधूरे काम रह चुके हैं उनको लेकर जरूर पेश किया जाएगा। लेकिन शुरुआत होने से पहले ही हंगामेदार ऐसा शुरुआत हुआ कि बेल में सभी सपा के विधायक पहुंच गए, उसके साथ ही साथ कांग्रेस की भी तरफ से थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया मिलने शुरू हो चुके थे लेकिन नहीं हो पाया। और अभी लगभग इसी बात का कयास लगाया जा रहा है जो बजट होगा वही लास्ट बजट है और लुभावन वादे जरूर होंगे इस बजट के अंदर। जी चलिए ठीक है रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज योगी सरकार का आखिरी अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कई वर्गों पर सबसे ज़्यादा खास ध्यान भी दे सकती है सरकार। किसानों के लिए पिटारा आज यहां पर खुल सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें अभी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है।